32% वोट हमको पिछले चुनाव में मिली थी, 38% है। अब 51% वोट उड़ीसा में हमको अगले चुनाव में लाना ही है। हर बूथ पर हम सारे दल मिलकर भी लड़े हैं, हालांकि यहाँ बहुत दल नहीं हैं, कांग्रेस है, बीजेडी है, जो भी हैं, उन सबसे हमारी अकेले की ताकत अधिक हो। तो इस तरह का मैनेजमेंट, इस तरह की संरचना संगठन की हमको बनानी है कि हम अगले चुनाव में 51% वोट यहाँ पाएँ और अपनी सरकार बनेगी हमारी, ये निश्चित। सर आपको तो पता होगा, सर आपको तो पता होगा यहाँ पे जो राजनीति में हिंसाकांड चल रहा है उसके बारे में आपका क्या राय है? मैं 1-1.5 महीने से थोड़ा अस्वस्थ था, पहली बार यहाँ आया हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री और सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी, सारी फीडबैक मिलेगा और यहाँ माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी तक कार्यक्रम चल रहा है। देखिए पूरे देश भर में बता रहा हूँ सर, कृषक नेता होने के, मैं एक सेकंड पहले इनका जवाब दे दूँ। पूरे देश भर में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह परचम लहरा रहा है, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे तेलंगाना का इलेक्शन हो, चाहे जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो, राजस्थान के पंचायत चुनाव हो, या गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके बाई इलेक्शन या इलेक्शन हो, इससे सब पार्टी हतोत्साहित हैं। और ये येन के प्रकार मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनको अपदस्थ करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब इनके पास, क्योंकि और पार्टियां जो हैं वो परिवार की पार्टी, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारा साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता, उन पार्टियों में उस परिवार से निकलने वाले ही बन सकते हैं। तो जब इनको कुछ रास्ता नहीं दिखता तब ये हिंसा पर उतरते हैं, चाहे बंगाल हो या उड़ीसा हो। और दूसरा एक और मैं बताना चाहूँ, आंदोलन के नाम पर कभी दिल्ली में सीए के नाम पर बैठा देंगे, कभी किसानों के बिल के खिलाफ बैठा देंगे, क्या वही किसान हैं? 95% किसान जो समर्थन में वो किसान नहीं है? तो ये पार्टियाँ ओछे हथकंडे अपनाने का काम कर रही हैं। लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही निंदनीय है। और पार्टी संघर्ष करेगी, ये पार्टी ऐसे नहीं है, 18 करोड़ सदस्य, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बहुत लंबा सफ़र है और हम लोग हिंसा से और इस मारपीट से डरने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता जो पार्टियां बिल के विरोध में बोल रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूं, यदि 60 साल से कुछ नहीं हुआ तो किसान जो सबसे सम्मानित पेशा था वो मजदूर से भी निचले स्तर पर क्यों आ गया? 54% ज़मीन में सिंचाई के साधन क्यों नहीं जुटा पाए? भंडारण की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? 25% अनाज सड़कें चला जाता है, जितना ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है इतना हमारे यहाँ ख़राब हो जाता है। और मोदी जी ने जब रिफॉर्म करने की ये बिल लाए हैं, पास किए हैं, तो केवल किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं, मैं बता रहा हूँ, दोगुनी से अधिक करने के लिए किए, सब किसानों के पक्ष में किए हैं। ये भी करना चाहते थे लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैं कहता हूँ सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के 10 मुख्यमंत्रियों की रिकमेंडेशन है, 12 एक्सपर्ट कमेटी बनी है पिछले 15 साल में, सबकी रिकमेंडेशन है कि ये सुधार होने चाहिए। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा, यदि विकल्प हम दे रहे हैं तो क्या परेशानी है? चलो कोई दिक्कत नहीं। अगले आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित।